ये देखो ये महारानी तो सो गई भाई, उठना बहुत भूख लगी है। 5 मिनट। अरे 5 मिनट नहीं, चलो अपन दोनों कुछ खाना बनाते हैं। 5 मिनट ठीक है, मैं भी सो जाता हूँ उसके बाद में। वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग, दिस इज प्रतीश हियर, भाविका हियर। सो आज संडे है, संडे आफ्टरनून हो गई है, तो आज हमें बहुत सारे काम थे। पहले तो वॉश आर लाइक हम लोग लॉन्ड्री वीकेंड्स पर ही करते, तो आज पूरा लॉन्ड्री अंदर चालू, आपको पीछे आवाज भी आ गई, ड्रायर चालू है, फिर वो काम था, फिर थोड़ा घर का सामान मंगाया था। मैं आपको दिखाता हूँ क्या क्या था। दो चीज थी वो पूरा असेंबल करना, एक तो टीवी यूनिट है और एक बेड फ्रेम है, वो आया था, वो आज वो असेंबल करना, तो मैं आपको दिखाऊंगा इधर डिलीवरी कैसे होती है, मतलब कैसे आता है बेड फ्रेम। जैसे इंडिया में तो कारपेंटर्स पूरा बना के जाते हैं, यहाँ पे कैसे आता है, कैसे असेंबल करना पड़ता है, कितना टाइम लगता है उसमें, और इजी प्रोसेस है कि डिफिकल्ट प्रोसेस है, वो सब आपको आज के वीडियो में दिखाएंगे। और एक क्लिप वो भी आएगा, मैंने जेट्स पे असेंबल किया था एक दिन 2 दिन पहले, तो वो भी आपको दिखाऊंगा कि कैसे असेंबल होता है, बहुत जुगाड़ करना पड़ा था उसके लिए, तो वो भी आपको दिखाएगा। आई होप आपको अच्छा वीडियो अच्छा लगे। बेसिकली आज ये दो चीज आई है, एक तो ये टीवी स्टैंड आया, मेन स्टेज करके कंपनी है उसका, ये मेरे को उठाने में मतलब यहाँ पर डिलीवरी एकदम ऊपर आके नहीं छोड़ते, जैसे डोर स्टेप पे लाके रख देते, हम एक फ्लोर ऊपर चढ़ के आना पड़ता है ना, तो ये 25 किलो का था, मैं और भाई का उठा के लेके आए, ये फिर भी ठीक था। फिर इसके बाद ये तो 2 दिन पहले आया था, और आज सुबह ये बेड फ्रेम आई है, मतलब कुछ 2 घंटे पहले ही आया। ये इतना बड़ा बॉक्स है, इतना भारी था ना ये, इसको हम कैसे लेके आए हैं पता नहीं, मेरे को वीडियो शूट करना लेकिन इतना भारी था वो शूट भी नहीं कर पाया। हाँ वहाँ पे लिखा है कि एक जन से नहीं उठा जाएगा, तो अभी पहले टीवी यूनिट से स्टार्ट करते हैं और आपको दिखाता हूँ। ये कुछ ऐसा दिख रहा है आपको, अगर दिख रहा होगा इधर, तो मतलब दो शेल्फ है और एक प्रॉपर फ्लैट सर्विस है, 50 इंच का टीवी आ सकता है, वो लोग ने लिखा था, और ब्लैक कलर का है, तो अभी मैं इसको खोलता हूँ और आपको असेंबल कैसे करते वो दिखाता हूँ। ये डाल दिए और यहाँ पे 2 होल्स है, तो ये पूरा ऐसे चला जाएगा अंदर, एकदम परफेक्ट फिट हो गया। यहाँ पे अभी यहाँ पे और यहाँ पे नॉर्मल स्क्रूज आते हुए लगेंगे, तो ऐसे ही मैं 3 पार्ट लगा देता हूँ। सो एक छोटा सा अपडेट, हाँ नाइफ और सीजर से वो स्क्रूज फिट नहीं हो रहे थे, हमारे पास स्क्रू ड्राइवर तो है ही नहीं, तो अभी हम बस इधर नेबर में एक आंटी रहती है, उन्होंने बोला हमारे पास है तो हम ले के लिए जा रहे हैं। सो यहाँ अभी हम बहुत सारे स्क्रू ड्राइवर्स लेके आ गए, आई होप इससे काम चल जाए, फिर से मैं फिटिंग पे लगता हूँ, आई होप इस बार पूरा हो जाए, फिर फटाफट बेड फ्रेम भी करना है इसके बाद, आई होप बेड फ्रेम थोड़ा इजी हो। ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, मुझे पता होता है इतना कॉम्प्लेक्स है तो ये वाला नहीं मंगाता, कोई इंस्टॉल्ड ही मंगाता, भले प्लास्टिक का होता तो ठीक है। अभी मैं करता हूँ ये, तो मैं ये मेन वाला बोर्ड सेटअप कर रहा हूँ, मैंने भाविका को भी काम दे दिया है, भाविका को जो 4 बोर्ड्स थे उसमें जो मैंने पहले वुड का वो पीस डाला था ना, उनमें ऐसे
दो दो ये स्क्रूज भी लगाने थे, तो वो तब तक वो फिट कर लिए ताकि फटाफट काम हो जाए। मजा आ रही है भाभी का, एकदम DIY जैसी फीलिंग है ना। मतलब इंडिया में तो ऐसा कुछ करने मिलता नहीं था कभी, यहाँ पे भी देखते हैं अभी फाइनल प्रोडक्ट जैसे जैसे क्लोज आएगा ना वैसे वैसे खुशी होगी। हाउस द जोश? लो सर। अरे कर यार थोड़ा तो मोटिवेशन तो दे। अरे देना स्क्रू ड्राइवर फटाफट कर यार, टाइम पास मत कर। मैं टाइम पास नहीं कर रहा हूँ, मैंने तो कितना सारा कर लिया, ये पूरा ऊपर का पार्ट ऑलमोस्ट होने आ गया है। ये थोड़े स्क्रू जो हाथ से फिट किए थे ना उसको भी स्क्रू ड्राइवर से टाइट करो। चार वाला चाहिए। हाँ अगर वो आंटी स्क्रू ड्राइवर नहीं देती तो होता ही नहीं अपना काम तो। हाँ वो हमारे लिए आटा भी लेके आ गई, हम जाने वाले थे पटेल ब्रदर्स लेकिन हमको कितना चल के वो 10 किलो उठा के लेके आना पड़ता, वो आंटी लेके भी आ गई, बहुत अच्छी है। चलो अभी फिर से काम पे लगते हैं। So how it is going, Pratish? हाँ बहुत मेहनत का काम है लेकिन आपको अगर दिख रहा है तो ये अभी आ रहा है थोड़ा थोड़ा शेप में। दो लगा दिए, अगर दो और लगेंगे तो पूरा टॉप का सेक्शन रेडी हो जाएगा, फिर बेस अटैच करना है तो होपफुली नेक्स्ट हाफ एन आवर 45 मिनट्स में पूरा हो जाएगा। टॉप पार्ट तो हमने देखा, मैंने रेडी कर दिया था। मैं जब तक ये कर रहा था भाविका ने ये बेस में पूरे ये लगा दिए, बेस मतलब बेस पार्ट में पूरे नीचे के स्टैंड लगा दिए, बस जैसे थोड़े स्क्रू टाइट नहीं हो रहे थे वो बहुत ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़ता तो वो मैं कर देता हूँ, फिर ये हो जाएगा, फिर ये इसको अटैच करना, बीच में शेल्फ डाल लें एंड देन वी आर डन। ये टॉप पार्ट, ये बेस, अभी ये बेस इसके ऊपर जाएगा, मुझे अलाइन करके लगाना है। I will need your help, madam, sir. So finally, 3 घंटे की मेहनत के बाद ये रेडी हो गया। So अभी Amazon Prime की डिलीवरी आई थी एंड दिस इज मतलब बहुत ज़रूरी पार्सल आया है, मतलब बहुत परेशान हो गया था इसके बिना, तो अभी दिखा था आपको क्या है ना, जेट स्प्रे आ गया। मेरा जेट स्प्रे आ गया, अंदर क्या क्या पार्ट्स है, पहले तो ये स्प्रेयर आया, फिर ये इसका पाइप है, देन ये उसका मतलब जैसे हम बॉल पे कनेक्ट करते हैं ना वैसा ही है कुछ, बट ये यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा तो पीछे सिंक के अंदर चला जाएगा तो ऐसे लटक जाएगा ये, फिर ये टी वाल्व है, मतलब बेसिकली यहाँ पे जो रेगुलर पावर सप्लाई का मतलब वाटर सप्लाई का जो है ना वो एक एंड यहाँ पे जाएगा और दूसरे एंड से जेट स्प्रे निकलेगा। तो बहुत सिंपल इजी इंस्टॉलेशन है, सबसे पहले क्या किया मैंने, वाटर टैंक खाली कर दिया, पूरा फ्लश खाली कर दिया। नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज पूरा फ्लश एक बार एम्प्टी हो गया ना ये वाला पूरा पोर्शन, देन यू हैव टू ओपन दिस, यहाँ पे एक कनेक्शन है उसको ओपन करते हैं। बड़ी मुश्किल से ये फिट कर दिया, मेरे से तो नहीं हुआ, भाविका ने आके अटैच किया। पाइप में ये जेट स्प्रे लगा देता हूँ और फाइनली फिट कर देंगे। मेरी थोड़ी साइज बढ़ी है तो मैं अंदर फिट नहीं होता। भाविका कर रही है सो नीचे का भी पूरा कनेक्शन हो गया, अभी इसका होल्डर है, अभी वॉल में स्क्रू तो नहीं लगा सकते हम लोग, तो इसको जुगाड़ दिया लोग ने इसको ऐसे उठाने का और सीधा इसके अंदर रख देने का, ये यहाँ पे फिट हो गया। तो अभी हम ये जेट स्प्रे इधर अटैच हो जाएगा, सिंपल फाइनली। अभी रुक जा, अभी चालू कर, बट ये इधर ऐसे जुगाड़ मस्त हो गया और इधर देख चालू करते, ग्रेट सक्सेस। ये भाई अभी तू जा तो अभी तक आपने देखा होगा कि हमने टीवी यूनिट असेंबल कर दिया जो कि यहाँ पे ही पड़ा है ये रहा, और हमने बाथरूम में जेट स्प्रे भी लगा दिया है, वो भी क्लिप आपने देख लिया होगा। तो अभी उसको 2 दिन हो गए हैं, हम उस दिन बहुत थक गए थे, 3 घंटे लगे थे, तो अभी क्या करना है, वो बेड फ्रेम वहाँ पे पड़ा है साइनस का, उसको प्रॉपरली बनाना है और फाइनली ये बेड अभी नीचे बेड फ्रेम आ जाएगी और खाली मैट्रेस पर नहीं सोना पड़ेगा। तो चलो अभी ये बनाते हैं। तो अभी इसको खोलते हैं और इसको असेंबल करना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं
लाइट ला देता हूँ, खुलेगा। ये कुछ ऐसा दिख रहा है। सो ये बॉक्स खोल दिया हमने, ऊपर का कवर बाहर रख दिया है। तो ये कुछ मैट्रेस है, मैट्रेस नहीं सॉरी हेडबोर्ड, हेडबोर्ड नहीं है, पूरा फ्रेम है ये ऊपर का हेडबोर्ड का। अभी तो ये कवर है सिर्फ ऊपर, इसको हेडबोर्ड ही बोलते हैं, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन। फॉर काइंड इन्फॉर्मेशन, अभी खोल के दिखाऊंगा ना, देखो पता चलेगा क्या है। हेडबोर्ड है कि कवर है, ये कवर है, इसके अंदर सब कुछ है, पार्ट्स। बहुत भारी था। ये तो बॉक्स के अंदर एक और बॉक्स निकल गया। ओके, दिस इज ये वो है जो बेड के साइड में लगेंगे, ये वो है, ऐसे चार होंगे मेरे हिसाब से, दो से तीन, और ये दो इसमें शायद, ये क्या पता नहीं कुछ और है। फिर ये रहती है स्टील की बॉडी है, मेटल बॉडी का आया है ये पूरा, तो अंदर ये पूरे पार्ट से जो है बेड को कनेक्ट करेंगे हेडबोर्ड से। तो हेडबोर्ड पीछे आएगा, फिर बीच में ये स्टील के रॉड्स लगेंगे, फिर इसके ऊपर वुडन का कुछ पूरा प्लैंक लगेगा, और ऊपर मैट्रेस आएगा, वो सब मैं आपको दिखाता हूँ। ये पूरा वुड के प्लैंक्स है जो बेड पे पूरे लग जाएंगे, और इसके ऊपर मैट्रेस आती है फाइनली। ये वीडियो में आपको आगे जाके दिखाता हूँ कैसा होता है। यस यस टू राइट ना, ये देखो कुछ ऐसा दिखेगा, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ पास से। सो ये जो हेडबोर्ड है जो ये वाला इधर लगा पड़ा हुआ है वो, फिर उसके नीचे दो स्टैंड आएंगे, फिर साइड में चार जो मैंने आपको पार्ट्स दिखाए थे वो आएंगे, एक आगे का पार्ट है, फिर बीच में से पूरा मेटल का फ्रेम लगेगा, और ये वुडन का जे वाला जो दिख रहा है आपको, ये वुडन के रेल्स है जो पूरे बेड पे इधर से लेके इधर तक आएंगे, उसके ऊपर मैट्रेस आएगा। ये सब करना है, सच अ बिग प्रोसीजर, लेकिन मजा आएगा। यस, लेट्स गो टू द स्टेप्स। फॉर टोटल कितने स्टेप्स है देखो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, अब तो वाट लगने वाली है। चल चल फटाफट वीडियो भी अपलोड करनी है, एडिट करनी है मेरे को, समझ में नहीं आ रहा है मेरे को कैसे कर। दे मैं समझाती थी, दे मैं तेरे को समझाती हूँ, मैं देखूंगा, इंजीनियर हूँ मैं, पर समझाती मैं ही हूँ तेरे को, मैं इंजीनियर हूँ, मैं करूँगा खुद से। कल वीडियो नहीं जाएगी लगता है, सॉरी गाइस, पहले से सॉरी बोल रही हूँ मैं, गजब बेइज्जती हो रही है हमारी। तू पार्ट्स ढूंढ के दिखा दे, मैं तब तक। अभी इंजीनियर साहब ने तो हार मान ली है, अब मैं ट्राई करती हूँ, लेट्स गो। पार्ट नंबर 3 ढूंढ, मेरे को मिल ही नहीं रहा था। अबे इधर ही पड़ा था। इंजीनियर गिरी मत कर। तो अभी रख दे पार्ट नंबर 3 इधर। वही तो अभी भाविका ने मेरे को पार्ट्स तो थोड़े बहुत ढूंढ के दे दिए है। सो बेसिकली ये ऐसे दो पार्ट है जो बेड के हेडबोर्ड के दोनों कॉर्नर्स पे लगेंगे, और एक ये पार्ट है जो सेंटर पे लगेगा।
जैसा कि आपने देखा ये पूरा पार्ट हो गया रेडी, ये हेडबोर्ड रेडी हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप भाविका ने ऑलरेडी देख के रखा, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा था, मैं खाली मैकेनिकल काम कर रहा हूँ, दिमाग इसका चल रहा है। हेडबोर्ड के बाद फुटबोर्ड करना है, ये वाला है और इसको ये और ये वाला पार्ट लगाना है। गोल गोल घूम बेटा तुमसे ना हो पाएगा। सो फाइनली द एक्सपर्ट इज हियर। ऐसे लग रहा है वो करते ना रुक जा फिर से मैनुअल पढ़ते हुआ। फोगड़ का एक्सेंट क्यों मार रही है? हो गया ओ शिट, मतलब ये आपको जो ऊपर दिख रहा है ये प्रोटेक्शन के लिए लगाया था, उसको सिर्फ निकालना था। ओवर स्मार्ट तेरा काम था सब पढ़ने का, मेरे को मत बोल ओवर स्मार्ट। वी आर बोला तो मैं नहीं, यू आर ओवर स्मार्ट। आई एम डम, यू आर ओवर स्मार्ट। हाँ तो ओवर स्मार्ट है ना तू भाई। चल भाई ये पार्ट भी हो गया, लेट्स पार्ट मैं ढूंढ के रखती हूँ। फाइव स्टेप्स हो गए थे, नाउ आगे का पार्ट तो बन गया, पीछे का पार्ट भी बन गया। अभी जो बीच में पूरा पार्ट आएगा वो असेंबल करना है, तो उसके लिए दो पार्ट है, एक तो ये वर्टिकल बार है और ये हॉरिजॉन्टल बार है, तो ये कुछ ऐसे खुल जाएगा, ये कुछ ऐसे हुआ। आई थिंक ये अभी एक स्ट्रेट ऐसे आएगा पैरेलल। और ये अबे ये तो तनिष्क की बंदूक की बोलेगा सो अभी ये ऐसे हो गया एक के ऊपर एक, अभी इसको स्क्रू से डाल के अटैच कर देना। ये जो पार्ट है उनको भी हेडबोर्ड में जो सेंटर में था ना वो दिखा, हेडबोर्ड में जो सेंटर का दिख रहा है आपको, वहां पे अटैच करना है। अभी वो करते हैं और मेरे को लगता है दूसरा पार्ट ये इसके अंदर लगता है, क्या बोलते इसको, फुटबोर्ड वहां पे। जब तक ये कारपेंटर गिरी वाला काम करता है तब तक मैं थोड़ा स्मार्ट वर्क कर लेती हूँ जिसमें दिमाग की जरूरत है, जो कि मुझ में ही है। गजब बेइज्जती है, तुझ में ही है। यस कुछ काम नहीं कर रही है। स्टेप्स बोल, अभी नेक्स्ट स्टेप मेरा तो हो गया, नेक्स्ट स्टेप कौन बोल। तो जब तक भावे का नेक्स्ट स्टेप ढूंढती है मैं आपको दिखा देता हूँ। अब तक क्या हुआ, ये पूरा ऐसा स्ट्रक्चर बन गया है। अभी ये साइड में मेरे को लगता है यही करना होगा, साइड में चार बोर्ड्स मैंने आपको दिखाए थे वो लगाने होंगे, उसके बाद खाली वुडन प्लैंक रखना है। लास्ट टू थ्री स्टेप्स टू गो, है ना भावे का, वही राइट है ना, यही स्टेप्स है ना, साइड में ये लगाने हैं चारों से। ठीक है चलो ये करता हूँ। हाँ बोल, क्या खा ले क्या? क्या टाइम पास कर रही, इतना सारा काम बाकी हो, देखो जोक्स मार रहे पीजे। चल चल क्या, चल चल नहीं खोल के दे आधी तो मैं काम करता हूँ, बीच में थोड़ा ब्रेक लेना ही पड़ेगा, बहुत ज्यादा आप देखो कितना सारा हो गया ऑलमोस्ट, बस सिर्फ ये एक साइड बाकी है। दे 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 दे, आपको खानी है? नहीं दूंगा बस प्रतीश अभी लास्ट स्क्रू फिट कर रहा है। हो गया फाइनली सारे स्क्रू फिट हो गए। बाय बाय टाटा गुड बाय। सब कुछ साइड के सब लगा भी दिए हैं साइड पे और ये भी, अभी सिर्फ ये लकड़े फिट करने हैं और ले करने हाँ चिपक जाएंगे और फिर बेड हो जाएगा। अभी मैं अंदर घुस तो गया, इधर से उठना भी एक अलग टास्क। फिक्स हो गया रितेश तो इसके अंदर चल उठ फटाफट, हो गया चल गया मैं।
चलो अभी लास्ट करते हैं। ये कुछ ऐसे वुड के पीसेस है जो इस वेलक्रो पे, वेलक्रो है उस पे लगाने, चिपक जाएंगे अपने आप ही। चल प्रतीश दे दे एक साइड मेरे को। सो फाइनली हमने बेड बना दिया है, कुछ ऐसा दिख रहा है। हेडबोर्ड के साथ है बेड जैसे मैंने आपको बोला। अभी ऊपर मैट्रेस रखते हैं और सो जाते हैं। सो दिस इज हाउ इट्स लुकिंग फाइनली। पूरा 2 घंटे की मेहनत लगी लेकिन हमने रेडी कर ही लिया। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। अभी मैं भाविका के साथ जाके वीडियो एंड करता हूँ और हम लोग इधर सो जाएंगे थोड़े टाइम में। बहुत थक गए, अभी सो जाते हैं। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो क्या करना है? लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब। मुझे नहीं पता मुझे 2 मिलियन लाइक्स चाहिए कैसे ना कैसे करके, मुझे चाहिए। इतना झिला मैं कभी नहीं होऊंगा अपनी पूरी जिंदगी में जितना इसमें झिला हूं। मुझे चाहिए ही चाहिए, तो लाइक मारो। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूँ, मुझे पैसों के पीछे भागना है। बाय। पिछले वीडियो में बहुत सारे लोगों ने कॉमेंट भी बोलना है। हाँ, पिछले वीडियो में बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया, हमें वो देख के बहुत अच्छा लगा। बस एक लाइक भी कर दिया करो, और अगर आपके पास टाइम है थोड़ा सा तो ये वीडियो लेके फेसबुक पे शेयर कर दो ताकि और लोगों को पता चले हम यहाँ पे वीडियोस बना रहे हैं ये सब। और कमेंट भी किया तो पिछली बार का कमेंट बोलना, देखो क्या आया था। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। जहाँ ना पहुँचे रेलगाड़ी वहाँ पहुँचे मारवाड़ी। वो कमेंट मैं आपको दिखा देता हूँ। हाँ। भाविका के पापा ने किया था वो कमेंट, एक नंबर कमेंट यार। तो अगर आपको भी चाहिए हम आपका कमेंट डिस्प्ले में दिखाए, तो आप भी कुछ ऐसा फनी कमेंट करो तो नेक्स्ट वीडियो में आपके भी कमेंट्स आएंगे। जरूरी नहीं एक कमेंट, 2-3 कमेंट भी बोल सकते कि ज्यादा अच्छे हुए अच्छे लगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।